For the Varmas at the Roper district in Punjab, their modular kitchen is a prized possession thanks to Jasbir Singh of Khalsa Aluminium Section. कारण किया था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि लक्कड़ की फिटिंग कराई जाए। मैं उसको बोला भी लक्कड़ की ना कराओ तो ये फिटिंग तुसी यूज करो, ये देखो मतलब करवा के फिटिंग। तो जब उनको सारे मतलब फायदे इसके समझाए कि पानी में ख़राब नहीं होगी ये, इसको जंग घुड़ा नहीं कुछ भी नहीं लगेगा, तो उन्होंने ये फिटिंग को पसंद किया। मेरे को पसंद ही यही आई थी कि स्पेस बहुत है इसमें, एक इसमें कोई भी यदि कोई भी दाग वगैरह लग जाता है, जैसे कोई भी सब्जी वगैरह बनाते हैं स्टीम लगती है तो इसको कपड़े से साफ़ कर लो, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि ये ख़राब होगी या कुछ है। तो और स्पेस बहुत है इसमें, जगह में स्पेस बहुत है, जहाँ जैसे मर्जी आप सामान रखो। लकड़ी में करने में इसका तकरीबन जो खर्चा है बराबर ही आ जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट शायद पूरा कम हो जाता है, लकड़ी में मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। हाँ, उसमें ज़्यादा चला जाता है, इसमें थोड़ा कम है, मतलब दीवारें ख़राब नहीं होगी। फिर पूरा ये बनाने में पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा आया होगा? ये इसका स्क्वायर फुट 1800 स्क्वायर फुट है। अच्छा। इसमें काफ़ी जो पॉलिश होती है, इसमें काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी लेबर पड़ जाती है इसमें, इसलिए इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरी मतलब जर्मन जो दुबई फिटिंग है उससे, जो ये स्टील फिटिंग है जो नई चली है ये, इसका थोड़ा रेट उससे ज़्यादा है। इसका मेंटेनेंस मतलब बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, ना के बराबर है। हाँ, बादशाह भी है ये, कभी पानी से ख़राब नहीं होगी, ये जंग से ख़राब नहीं होगी, मतलब जंग लगेगी नहीं इसको, तो घुना भी नहीं इसको लगेगा। जी वॉशेबल है, जैसे मर्जी आप गीला कपड़ा करके इसको साफ कर सकते हैं। कितने दिन लगता है ये एक इसको एक फिटिंग बनाने में? कम से कम 15 दिन तो पॉलिश करने में लग जाते हैं, तो 15 दिन में तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद हम वहाँ पे जब लेके जाते हैं फिटिंग, तो 2 दिन में किचन मतलब फिट हो जाती है। आपकी अपना वर्कशॉप में बनाकर पूरा प्रीफैब्रिकेटेड है क्या? वर्कशॉप में पूरा बनाकर उधर जाकर असेंबल करते हैं? हाँ, यहाँ पे मतलब बनाकर दुकान में वर्कशॉप में, फिर इसको आगे मतलब वहाँ जाके इसको फिटिंग कर देते हैं। पहले वहाँ से नाप ले आते हैं पूरा, फिर यहाँ बना तैयार करके वहाँ जाके इसकी फिटिंग कर देते हैं। जो अल्ट कार की मतलब ये शीट है, तो जो और मतलब कंपनी की शीट आती है उससे ज़्यादा बढ़िया है। हाँ जी, इसकी जो अल्मीनियम शीट ऊपर जो थिकनेस है वो और से मतलब ज़्यादा मोटी है। वो पेंट होने पर टूट जाए ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी जो मतलब शीट, जब आप मतलब एल टैप इसको फोल्ड करते हैं तो ये मतलब फटती नहीं है, ये शीट ज़्यादा बढ़िया है, मतलब ख़राब भी नहीं होती है। हाँ जी, दूसरों में क्या वो क्रैक आ जाता है? दूसरों में क्रैक आने का खतरा रहता है।